हम चर्चा कर रहे हैं किसानों की समस्याओं पर, किसानों की मांगों पर, और किसानों की उन मांगों पर जिन पर फोकस नहीं किया गया पिछले 7 दशकों में। आखिर क्यों किसान लगातार बदहाली का जीवन जीते रहे जबकि और क्षेत्रों में हम तरक्की कर रहे हैं। निहारिका, और हमारे साथ कई रिपोर्टर्स भी जुड़े हुए हैं अलग अलग जगहों से, जिनसे हम वहाँ के हालात ले रहे हैं और आपस में एक जो बोलते हैं माला पिरोना किसानों की समस्याओं को लेकर, ये क्षेत्रवार केवल न रह जाए बातें, पूरे देश की बात एक साथ हो, इसलिए और ये गूंज संसद तक है, जहां अनुराग चड्ढा है हमारे संवाददाता। अनुराग, मुझे बताइए कि बजट भी इस बार पूरी तरीके से किसानों का बजट कहलाया गया, किसानों के नाम पर तमाम बीमा फसल योजनाएं रही, केंद्र लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने खुद बोला था कि गन्ना के किसानों का भुगतान 99.5% हो गया है। बावजूद इसके आपको नहीं लगता है कि किसान अगर फिक्स सैलरी और वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं तो उनका दर्द समझने के लिए सिर्फ योजनाएं बनी फाइलों तक सीमित रही, उन तक चीजें नहीं गई? आप उस सदन के बाहर हैं, क्या किसानों पर सदन के अंदर चर्चा होती, बाहर कोई प्रतिबद्धता दिखती है? जो बिल्कुल निहारिका, जब देश के किसान प्रधानमंत्री का भाषण सुनते हैं और जब खासतौर पर जब बजट भाषण था और जब बजट पास हुआ तो उसमें ऐसा लगा कि जो हमारे देश की सरकार है वो गांव तक चली है तो किसानों का भला होगा, लेकिन किसानों को उस तरह का फ़ायदा नहीं मिला जिस तरह की घोषणा की गई थी। इस वक्त हम पार्लियामेंट के बाहर खड़े और हमारे साथ कई किसान नेता भी हैं और ऐसे किसान भी हैं जो खेती करते हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब जो नेता हैं हमारे देश के, जब वो किसानों के हितों की बात करते हैं लेकिन उनके पास किसी तरह का कोई प्रॉफिट नहीं पहुंचता। तो हम आज बात कर रहे हैं कि MSP को लेकर, जब हम हमारे देश के जो किसान हैं उनकी फसलों को लेकर MSP तय होता है लेकिन उसमें भी किसानों का नुकसान होता है क्योंकि कहीं ना कहीं जो उनकी फसल तैयार होती है उसमें उत्पादन की जो लागत होती है वो ज़्यादा होती है और जो उनका रेट तय होता है वो बहुत कम तय होता है। हम कुछ किसानों से ही बात करते हैं। ये बताइए, आपको लगता नहीं कि एक किसानों के लिए आयोग बनना चाहिए, एक MSP कमीशन बनना चाहिए ताकि आप लोगों की फसल का सही दाम आपको मिल जाए? मैं भारतीय किसानों बानू से राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, मास्टर शिवराज सिंह रावल। अभी प्रधानमंत्री को हम एक ज्ञापन के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में 11 तारीख को आंदोलन करेंगे और प्रधानमंत्री से अपील करेंगे कि कथनी और करनी में आप अंतर लें। जब भी फसल का किसान का समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है और वो जो समर्थन मूल्य घोषित करते हैं उनमें वास्तव में उन्हें किसान की और खेती की जानकारी नहीं होती और कोई भी पुस्तैनी किसान समर्थन मूल्य घोषित करने में राय में नहीं लिया जाता। ये बताइए, हम लोग पार्लियामेंट के बाहर खड़े, देखिए इसी पार्लियामेंट में किसानों की खुशहाली के लिए बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी नीतियाँ बनती हैं, लेकिन आपको लगता है कि जो अंदर नीतियाँ बनती हैं वो ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट होती हैं? जो भारतीय जो किसान हैं, ऐसा लगता है संसद में जिन लोगों को हम भेजते हैं वो हमारी हिमायत करते नहीं है। कभी कभी तो ऐसा भी महसूस होता है कि या तो ये पार्टी के ऊपर बोलते हैं या किसानों के बच्चे नहीं हैं। बहुत अंतर आ गया MSP को, जब से देश आज़ादी हो आज तक जो उस समय जो दूसरी चीज़ों का रेट है, महंगाई में बहुत अंतर आ गया। अगर आम चीज़ हम देखते हैं किसान के जो गेहूँ या दूसरी जो फसल है उसमें और महंगाई के दौर में दूसरी चीज़ें बहुत जमीन आसमान का। अच्छा, जब मोदी सरकार को 2 साल पूरे हुए थे तो 16 फसलों के MSP बढ़ाया, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब फसलों का उत्पादन बढ़ेगा, क्या आपको लगता है कि MSP बढ़ाने से उत्पादन बढ़ेगा फसलों का? मैं आपको बता रहा हूँ, पंजाब में किसान कपास का, हिंदुस्तान में इसमें उत्तर प्रदेश में गन्ने का, गेहूं का, धान का, आलू का किसान बिल्कुल 3 साल से चौपट हो चुका है। धान की खेती 3 साल से घाटे में जा रही है, गन्ना के किसान का भुगतान नहीं हो रहा है, कपास को सफेद मक्खी खाई जा रही है, आलू को कोल्ड स्टोर में जगह नहीं मिलती, उसका मूल्य नहीं मिलता। अनुराग, बहुत सारे सवाल हैं और जो किसान नेता हैं हम उनसे ये जानना चाहेंगे उनका रुख क्या है इस बात पर कि संसद में कई बार हंगामा होता है, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर हो, चाहे वो किसी बयान को लेकर हो, स्थिति को लेकर हो, उनकी हालत को लेकर हो, बहुत सारे मुद्दों पर बहुत ज्यादा हंगामा तक होता है वहां पर, लेकिन किसानों के मुद्दे को लेकर वो हंगामा, वो जिम्मेदारी का भाव सांसदों के अंदर क्यों नहीं दिखता?